समस्त मातृ शक्तियों, भाई बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण। सावन मास के अधिक मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी पापों का नाश होता है। तो पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास मानी गई है, विशेष करके अधिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में सावन मास के अधिक मास की पूर्णिमा तिथि कब रहेगी और इस दिन किस मुहूर्त में भगवान श्री हरि की पूजा आराधना आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में सावन मास की पूर्णिमा का बड़ा ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस शुभ अवसर पर लोग भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं। इसके साथ ही इस दिन चंद्र दोष दूर करने और घर की सुख शांति के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो इस वर्ष पूर्णिमा तिथि दिनांक 1 अगस्त 2023 मंगलवार को मनाई जाएगी। तो पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त और महत्व इस प्रकार से है। हिंदू पंचांग के अनुसार 1 अगस्त 2023 मंगलवार के दिन प्रातःकाल 3:51 से सावन मास अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो देर रात्रि 12:01 पर समाप्त होगी। इस शुभ अवसर पर किए गए दान और पुण्य के शुभ कार्यों से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। तो पूर्णिमा तिथि का महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। पूर्णिमा धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस शुभ दिन पर धर्म कर्म से जुड़े सभी शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं। भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करने का विधान होता है। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनने और पढ़ने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है और हवन यज्ञ अनुष्ठान आदि किया जाता है। अधिक मास के कारण सावन की पूर्णिमा का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित माना जाता है, वहीं अधिक मास भगवान विष्णु जी का प्रिय होता है। इन सावन के साथ ही अधिक मास का यह शुभ योग बेहद मंगलकारी माना गया है। इस खास दिन पर शिव जी और भगवान विष्णु जी की पूजा करने के साथ ही चंद्र देवता की पूजा करना बेहद शुभ फलदायी साबित हो सकता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्रों का दान करना चाहिए, इसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। तो पूर्णिमा तिथि की पूजा विधि इस प्रकार से है। पूर्णिमा तिथि के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करें। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करने के लिए आप जा सकते हैं अथवा अपने घर में ही गंगा जल नहाने के जल में मिला करके उससे स्नान करें। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें और सूर्य भगवान के इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप भी आप करें तो इसका अनंत गुणा फल मिलेगा। भगवान विष्णु जी की पूजा आपको इस प्रकार से करना चाहिए। एक साफ पटले के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या मूर्ति को विराजित करें और उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें और उनके मंत्रों का जाप करें। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करें। इस दिन श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत रखें और संकल्प लेवें और शाम को विष्णु जी की पूजा करते समय उनके सामने जल का कलश रखें। उन्हें तुलसी का पत्र, पंचामृत, केला और शुद्ध घी में पंजरी बना करके अर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें और आरती उतारें। पूजा के बाद परिवार के लोगों को प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी प्रसाद लेवें। तो पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का दान करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। यह जो पूर्णिमा है बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन जो भी शुभ कर्म किया जाता है उसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।